महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश बजट में निहित भावनाओं से किसी का मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इस नए बजट को आज की परिस्थितियों की कसौटी पर परखते हैं तो यह उचित सिद्ध नहीं होता। नए बजट में विकास की दर बढ़ेगी, इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी, इसके संबंध में भी कोई ठोस उपाय या योजना नहीं दी गई है। अब यह कहा जा रहा है कि बजट समाजवादी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा पेश इस बजट से देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबी मिटाने के लिए हमारे वित्त मंत्री के पास कोई जादू का डंडा नहीं है। मेरे विचार से यह बजट विकास विरोधी बजट है। यह बजट विषमता कम नहीं करता और न यह बजट विकास की दर बढ़ाने के लिए जिन साधनों को जुटाया जा सकता है उन साधनों को जुटाने का साहसपूर्ण प्रयत्न ही करता है। पर मुझे आश्चर्य है कि प्रत्येक बजट में योजना के नाम पर अधिक रुपए रखने की बात कही जाती है और इस बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने करोड़ों रुपए इस वर्ष की योजनाओं के लिए रखे हैं। जब वित्त मंत्री जी ने यह बात कही तो अनेक माननीय सदस्यों ने बधाई दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना की कसौटी सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति केवल उसके लिए रुपया रखने तक ही सीमित है। यदि आप अंतरिम बजट को देखें और वित्त मंत्री महोदय के उस समय के भाषण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पिछले बजट में हमने अलग अलग मदों के लिए योजना के वास्ते कई जगह रुपया रखा था, लेकिन यह रुपया खर्च नहीं हुआ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस काम के लिए रुपया रखा जाए और वह खर्च न हो तो आश्चर्य की बात है। पर गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया, गरीबी एकदम नहीं हटाई जा सकती है, लेकिन यदि गरीबी नहीं हटे तो कम से कम घटे अवश्य। आज सरकार द्वारा बजट में जो कर लगाए गए हैं क्या वे आम आदमी पर पहले से ही पड़े हुए बोझ को और बढ़ाने वाले नहीं हैं? वित्त मंत्री महोदय से पहले रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए रेल बजट में किराए
और माल भाड़े की दर में भी वृद्धि की गई है। संपूर्ण विराम।